गाइज इस सीएसएस की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी। गाइज फॉन्ट प्रॉपर्टी के दो ट्यूटोरियल हम पहले पढ़ चुके हैं और ये है तीसरा पार्ट, और आज हम इस फॉन्ट प्रॉपर्टी की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम जिन प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं वो हैं फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरियंट, लाइन हाइट और फॉन्ट, जिसमें कि फॉन्ट शॉर्ट हैंड तरीका है सारी प्रॉपर्टीज को लिखने का। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉन्ट स्टाइल। तो गाइस मैंने ये एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, देखिए यहाँ पर, और इस तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इस HTML डॉक्यूमेंट की मैंने CSS को हैंडल किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये CSS है सारी की सारी, देखिए यहाँ पर ये मैंने CSS हैंडल की हुई है, और इसका रिजल्ट हम जो देख रहे हैं वो देखिए यहाँ पर है। देखिए ये रिजल्ट है, इस तरह का देखिए रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए ऊपर इसमें ये लोगो है, नीचे इमेज है और उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। चलिए हम इसकी कोडिंग में चलते हैं, और कोडिंग में जाने के बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो पैराग्राफ बनाया हुआ है, देखो पैराग्राफ क्लास हेडिंग, तो ये हेडिंग से भी मैं लिख सकता था H1 या H2 से, लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको स्टाइल को या वेट को, तो मैंने ये लिखा हुआ है। देखिए ये देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, और ग्राफिक डिजाइनिंग पैराग्राफ है, पैराग्राफ जिसकी क्लास है हेडिंग, और दूसरा पैराग्राफ की क्लास पैरा है, और उसमें ये लिखा हुआ है, और लास्ट में मैंने पैरा के अंदर ये स्पैन दिया हुआ है, और स्पैन में मैंने ये सब लिखा हुआ है। तो चलिए हम वहां पर इसको हैंडल करते हैं CSS में। तो देखिए सबसे पहले जो टेक्स्ट है इसका साइज छोटा है, हम साइज बढ़ा लेते हैं, तो बेस साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, और मैंने दे दिया जी फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मैंने बता दिया जी यहाँ पर 24 पिक्सल, और देखो यहाँ पर हम चलते हैं और देखो रिफ्रेश करते हैं, 24 पिक्सल से साइज बड़ा हो गया, अब थोड़ा सा साफ साफ नजर आएगा, दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ चलते हैं नीचे, और देखो ये है पैराग्राफ हेडिंग, तो हेडिंग में हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल वो लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया देखिए फॉन्ट स्टाइल। तो देखिए फॉन्ट स्टाइल लगाने के बाद इसमें तीन प्रॉपर्टी मिलती हैं, एक तो है इटैलिक, दूसरी नॉर्मल, और तीसरी है ओब्लिक। तो देखिए नॉर्मल तो नॉर्मल है ही, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए सेव करें और देखो यहाँ पर आकर देखें तो देखो नॉर्मल कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है इटैलिक, तो इटैलिक अगर हम यहाँ पर लगा दें, देखिए इटैलिक, तो देखो ये क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखिए हल्का सा हेडिंग टेढ़ी हो गई। अब यही चीज जो है मैं इटैलिक यहाँ पर ना लगाकर इसमें लगा के दिखाऊं तो देखो और नजर आएगा आपको साफ। तो देखो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, कट करके और देखो मैं पैरा में लगा देता हूँ यहाँ पर, देखिए सेव किया और देखो रिफ्रेश करके यहाँ पर देखे तो देखो ये देखो पैरा में टेढ़ा टेढ़ा हो गया, तो इसे कहते हैं इटैलिक करना। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी है ओब्लिक, तो देखो ओब्लिक अगर आप लगाते हैं ओब्लिक, तो ओब्लिक भी सेम काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम काम करता है। लेकिन अगर सेम काम करता है तो दो प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट फैमिली की इटैलिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब इटैलिक प्रॉपर्टी नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है, उसको फोर्सफुली इटैलिक करना पड़ता है। तो फोर्सफुली इटैलिक करने के लिए हम ओब्लिक लगाते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे लफ्जों में आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल इटैलिक करना हो तो इटैलिक हो जाता है, अगर किसी की किसी फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी में इटैलिक हो तो, और अगर किसी फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी में इटैलिक नहीं है तो फिर उसको हम ओब्लिक करते हैं, ये फोर्सफुली इटैलिक करता है। तो क्लियर हो गया। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है फॉन्ट वेट। तो इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है, वेट मीन्स वजन, मतलब मोटा। तो ये क्या क्या करता है, ये करता है फॉन्ट को मोटा करने का काम, पतला या मोटा करने का। तो चलिए हम करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो देखिए हम यहां पर चलते हैं, तो देखिए पैरा में जो मैंने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक लगा हुआ है इसको मैं कमेंट बना देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क, कमेंट बन गया। तो पी हेडिंग में लगा देता हूं, देखिए फॉन्ट वेट मैंने लगा दिया जी फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट में कॉमन चार वैल्यू होती है, एक होती है लाइटर, नॉर्मल, बोल्ड और बोल्डर। तो इन चारों वैल्यू को अगर हम लगाएं तो देखो सबसे पहले हम करते हैं लाइटर, लाइटर अगर हम लाइटर करते हैं तो देखिए यहां पर चलते हैं और देखिए रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि फॉन्ट फैमिली की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में लाइटर की वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे ही नॉर्मल करें तो नॉर्मल होता ही है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं करता हूं जी नॉर्मल तो यहां पर करने के बाद देखें तो देखो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लगाते हैं इसमें बोल्ड, जैसे बोल्ड लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा, हम लगा दिए जी बोल्ड। अब बोल्ड करें तो देखो इसमें जैसे रिफ्रेश करें तो देखो ये मोटा हो गया। तो चलिए इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेता हूं, यहां पर मैं गया देखो यहां पर मैंने दे दिया जी फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 200%। तो देखो इससे और आपको साफ साफ नजर आएगा, देखिए ये बोल्ड हो गया। अब यहां पर बोल्ड की जगह हम एक और प्रॉपर्टी कर सकते हैं, उसका नाम है बोल्डर। तो बोल्डर में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, इसको सेव करें तो देखो इसमें भी थोड़ा फर्क दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फर्क होता है। तो अब मैं बताता हूं आपको कितना फर्क होता है, कैसे फर्क होता है, ये भी आप समझ लें। तो देखिए इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं 100 से 900 तक। अगर आप यहां पर लगा दें 100 वैल्यू तो ये हो गया लाइटर से भी कम, देखिए लाइटर से भी कम। अब अगर लगा देते हैं 200 तो 200 हो गया लाइटर, 200 प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो गया लाइटर, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आप लगा दें यहां पर 400 तो ये हो गया देखिए नॉर्मल,
यहां पर ये नॉर्मल हो गया। अगर आप लगा देते यहां पर 700 तो 700 लगाने के बाद देखो ये हो गया बोल्ड, और अगर लगा दें यहां पर 900 तो 900 लगाने पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है बोल्डर। तो देखिए यहां पर सिर्फ दो ही फर्क नजर आ रहे हैं, एक तो नॉर्मल और एक बोल्ड, इसके अलावा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, वो है फॉन्ट फैमिली की वजह। तो मैंने आपको बता दिया 100 से 900 तक आप बोल्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेरिएंट। तो फॉन्ट वेरिएंट कैसे काम करता है देखते हैं इसको, चलिए यहां पर चलते हैं। और देखो ये जो वेट है फॉन्ट वेट, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और हटाने के बाद में यहां पर पैरा में मैं लगा देता हूं फॉन्ट वेरिएंट। मैंने लगा दीजिए फॉन्ट वेरिएंट, और फॉन्ट वेरिएंट में जो आपकी प्रॉपर्टी मिलेंगी वो दो मिलेंगी, नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। तो नॉर्मल तो नॉर्मल होती ही है, स्मॉल कैप्स देखते हैं। हमने लगा दिया स्मॉल कैप्स, और स्मॉल कैप्स लगाने के बाद में सेव करें, रिफ्रेश करके देखो यहां देखें तो देखो सब स्मॉल कैप्स में आ गया। स्मॉल कैप्स का मतलब है कि कैपिटल तो रहेंगे लेकिन स्मॉल होंगे, छोटे होंगे मगर कैपिटल होंगे। देखो फर्स्ट तो लेटर बड़ा होगा, उसके बाद सब छोटे छोटे होंगे लेकिन होंगे कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे आप कहीं पर भी स्मॉल कैप्स कर सकते हैं। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी है लाइन हाइट, देखते हैं कैसे काम करती है। तो हम यहां पर चलते हैं और इसको हम कमेंट बना लेते हैं, और इसके बाद हम लिखते हैं लाइन हाइट, लाइन और हाइट, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट में जितना साइज आपके फॉन्ट का है, जैसे मैंने इसका साइज क्या है 24, अगर आप 24 पिक्सल ही लाइन हाइट रख देते हैं तो साइज जो लाइन के बीच में गैप है वो जीरो हो जाता है, सिर्फ अपने फॉन्ट के साइज को समझता है और गैप जीरो हो जाता है। देखो करके दिखाता हूं 24 पिक्सल, और देखो सेव करें और यहां पर जाए तो देखो लाइन के बीच में गैप जीरो हो गया बिल्कुल। और अगर लाइन हाइट की प्रॉपर्टी में आप वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप जितना आपका फॉन्ट साइज है उतनी ही लाइन हाइट करते हैं तो लाइन के बीच में गैप जीरो हो जाता है। तो देखिए अब यहां पर हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, मैं जीरो करके दिखाता हूं आपको, सेव करते हैं, यहां पर चलते हैं, देखो बिल्कुल जीरो एक लाइन में आ गया। 24 पिक्सल जो था वो नॉर्मल था जिससे कि बिल्कुल जीरो। अब हम उसके बीच में गैप चाहते हैं कितना चाहते हैं, तो देखो हमने क्या कर दिया 10 पिक्सल या 12 पिक्सल में उसके बीच में गैप चाहता हूं, तो मैं क्या कर देता हूं 36 पिक्सल कर देता हूं। तो देखिए 12 पिक्सल गैप आ गया। तो लाइन के बीच में अगर 12 पिक्सल गैप चाहिए, 4 पिक्सल गैप चाहिए, 5 पिक्सल गैप चाहिए, वो भी जितना भी आप चाहिए 30 कर दीजिए, तो देखो ये गैप आ जाएगा देखो इस तरह से। तो ऐसे आप लाइन के बीच में गैप बता सकते हैं। तो ये रही लाइन हाइट, और अब हम बात करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी की। तो फॉन्ट जो है खाली फॉन्ट प्रॉपर्टी वो है शॉर्ट हैंड तरीका, देखते हैं कैसे। तो देखिए मैंने यहां पर इसको भी यहां पर मैं कमेंट बना देता हूं, और कमेंट बनाने के बाद देखिए हम लिखते हैं यहां पर फॉन्ट, खाली फॉन्ट लिखें आप, खाली ओनली फॉन्ट। तो फॉन्ट अगर लिखने के बाद ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हैंड तरीका है जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक आपने की है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक लाइन में लिखने का, एक साथ लिखने का। वो कैसे देखिए, मैं इनको सबको हटा देता हूं यहां से। तो इनको हटाने के बाद में देखते हैं हम फॉन्ट की वैल्यूज। तो फॉन्ट की जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू लिखी जाती है वो है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में आप यहां पर इटैलिक लिख सकते हैं, देखिए इटैलिक आपने लिख दिया जी इटैलिक। तो इटैलिक लिखने के बाद सबसे पहले हो गया देखिए फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट स्टाइल के बाद इसमें आता है देखिए वेरिएंट। तो वेरिएंट में आप कर दीजिए स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप मतलब प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, प्रॉपर्टी की वैल्यूज को लिखना है, ठीक है। तो स्मॉल कैप्स, वेरिएंट के बाद इसमें आता है देखिए वेट। तो वेट आप कर दीजिए, वेट हमने क्या कर दिया देखिए इसमें कर दिया जी बोल्ड, हमने यहां पर कर दिया बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद में वेट के बाद में आता है देखिए साइज। अब साइज आप कितना करना चाहते हैं वो आप साइज बता दीजिए। मैंने यहां पर साइज कर दिया देखिए 30 पिक्सल, मैंने यहां पर 30 पिक्सल साइज कर दिया। अब साइज के बाद में जब लाइन हाइट लिखने के नंबर आता है तो लाइन हाइट को डिवाइड करके यानी ओब्लिक के बाद लिखते हैं, ओब्लिक लाइन हाइट। लाइन हाइट मैंने कर दिया जी 30 पिक्सल लाइन हाइट कर दी, 30 पिक्सल मैंने लाइन हाइट भी इतनी ही कर दी, और स्पेस देते हैं। और इसके बाद में लिखा जाता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली मैंने लिख दिया जी एरियल, तो एरियल लिख दिया, सेव किया। और सेव करने के बाद देखिए हम यहां पर जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहां पर सारी प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई हो गई ग्रुप में। तो वो है देखिए जो मैंने बताया आपको फॉन्ट, फॉन्ट के साथ आप शॉर्ट हैंड में सारी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको फॉन्ट की पढ़ाई। तो इस तरह से काम करती है फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो गाइज ये था तीसरा पार्ट फॉन्ट प्रॉपर्टी का। तो गाइज कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और गाइज अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों में हमारे ट्यूटोरियल के बारे में जिक्र जरूर किया करें। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।